हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू ए न्यू वीडियो। वैसे तो 15,000 के अंदर सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन देखने को मिलता है एंड सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी प्राइस सेगमेंट में होते हैं। तो बने रहिए आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 बेस्ट ऑलराउंडर गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 15,000। ये पाँचों स्मार्टफोन इस टाइम के बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हैं। अगर आपको 15,000 के अंदर एक बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए देन आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 8GB का बड़ा रैम, 128GB का बड़ा स्टोरेज, स्नैपड्रैगन 778G का तगड़ा 5G प्रोसेसर, बड़ी बैटरी एंड उसको चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट, 13 5G बैंड का सपोर्ट एंड हाई लेवल की फोटोज क्लिक करने के लिए तगड़ा कैमरा। मतलब कि सब कुछ आपको एकदम बेस्ट लेवल का मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एन टाइम। और आप भी बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर में रैंक करता है वो है IQ की तरफ से IQ Z6 5G। अगर आपको एक बेस्ट एंड तगड़ा गेमिंग फ़ोन चाहिए देन आप डेफिनेटली इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस देखने को मिलता है, सिंगल मोनो स्टोरेज स्पीकर है, फ़ोन को अनलॉक करने के लिए शैडो लॉक है और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 के साथ आता है। 5000mAh का बैटरी देखने को मिलता है जिसको चार्ज करने के लिए 18W का इनबॉक्स चार्जर भी है। गाइस, एटलीस्ट 30 से 33W का चार्जर तो देना चाहिए था। यहाँ पर आपको इसके बैग में 50MP+2MP+2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगाया 16MP का सेल्फी कैमरा। इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 1080p वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा परफॉर्मेंस इसका अच्छा मिलता है। इसमें लगाया स्नैपड्रैगन 695 का 5G प्रोसेसर। परफॉर्मेंस इसमें आपको काफ़ी अच्छे लेवल का मिल जाएगा। हाई ग्राफिक्स वाले गेम को हाई सेटिंग पे लॉन्ग टर्म तक खेल सकते हो। बट बुरी बात यह है कि ये स्मार्टफोन केवल 2 ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा है 6.58 इंच का फुल HD+IPS डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। डिस्प्ले भी इसमें आपको अच्छा मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 4128 का जो प्राइस है वो है 15,000 रुपये एंड 8128 का जो प्राइस है वो है 17,000 रुपये। 1,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा सिटी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे। तो इसके 4128 वाला जो वेरियंट हो आपको 14,000 में देखने को मिलेगा एंड 8128 वाला जो वेरियंट हो आपको 16,000 में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको एक बेस्ट गेमिंग फ़ोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर में रैंक करता है वो है मोटो की तरफ से Moto G71 5G। वैसे तो इसका प्राइस जो है वो 17 से 18 हज़ार के अंदर है, बट अभी के टाइम पे ये स्मार्टफोन आपको 15 से 16 हज़ार में मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन एकदम कंप्लीट पैकेज स्मार्टफोन है। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ये स्मार्टफोन IP52 सर्टिफाइड है, मतलब कि हल्का फुल्का पानी रोक सकता है। सिंगल मोनो स्टोरेज स्पीकर है, इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो बट SD कार्ड नहीं लगा सकते। ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 के साथ आता है। क्लीन UI मिलता है, मतलब कि ब्लोटवेयर एप्स देखने को नहीं मिलेंगे। फ़ोन को अनलॉक करने के लिए रियर फिंगरप्रिंट है। 5000mAh का बैटरी देने इसको चार्ज करने के लिए 33W का सुपर डार्ट चार्जर भी है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50MP+8MP+2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगा है 16MP का सेल्फी कैमरा। इसके बैक वाले कैमरे से आप 1080p की वीडियो 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080p की वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, ना ही ज़्यादा हाई लेवल का है ना ही ज़्यादा लो लेवल का है। इसमें लगा है 6.4 इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 180Hz का टच सैंपलिंग रेट भी है। ओवरऑल डिस्प्ले परफॉर्मेंस अच्छा है और 90Hz का रिफ्रेश रेट होता तो और भी अच्छा होता है। यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 695 का गेमिंग प्रोसेसर मिलता है। गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा, किसी भी गेम को हाई सेटिंग पे इजीली खेल सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्मार्टफोन है वो टोटल 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 6128 का जो प्राइस है वो 16,000 रुपये एंड 1,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे। तो ये स्मार्टफोन आपको 6128 के साथ 15,000 में मिल जाएगा। और अगर आपको 15,000 के अंदर एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो।
अब हम लोग आ चुके हैं वीडियो के एंड में और हम लोग बात करेंगे पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। तो जो हमारे लिस्ट में पहले नंबर में रैंक करता है वो है रियलमी की तरफ से रियलमी 9SE 5G। वैसे तो इसका प्राइस 20,000 के करीब में है, बट अभी के टाइम पे ये स्मार्टफोन आपको ऑफर एंड डिस्काउंट लगाने के साथ 6128 वाला वेरिएंट आपको 15,000 में देखने को मिलेगा और अंडर 15,000 इसके टक्कर का कोई भी स्मार्टफोन नहीं है। इसमें लगा है स्नैपड्रैगन 778G का 5G प्रोसेसर जो कि 6nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। ये स्मार्टफोन टोटल 5 5G बैंड को सपोर्ट करता है। गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको एकदम टॉप नॉच का मिल जाएगा, किसी भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम को काफ़ी इजीली लॉन्ग टर्म तक खेल सकते हो। 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया है 144Hz के टच सैम्पलिंग रेट के साथ और पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी है। फोन को अनलॉक करने के लिए साइड वाला लॉक है, इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। 3.5mm का हेडफोन जैक भी है। ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 के साथ आता है। मोनो स्टीरियो स्पीकर है, 5000mAh का बैटरी देने इसको चार्ज करने के लिए 30W का इनबॉक्स चार्जर भी है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 48MP प्लस 2MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा है 16MP का सेल्फी कैमरा। इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080p वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 6128 का जो प्राइस है वो 14,999 रुपये। अगर आपको 15,000 के अंदर एक तगड़ा फ़ोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो ये थे इस टाइम के टॉप 3 बेस्ट गेमिंग ऑलराउंडर स्मार्टफोन अंडर 15,000। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को भागल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।